देश आज आजादी की 78वीं जो है वर्षगांठ मना रहा है और पूरा देश जहां आजादी के रंग में रंगा हुआ है, कश्मीर भी जो है कुछ अलग नहीं है। इस वक्त हम ऐतिहासिक लाल चौक के बीचों बीच ऐतिहासिक घंटा घर के पास हैं। ये वो क्लॉक टावर है जिसने कश्मीर के तकरीबन सब जो है जो भी उतार चढ़ाव है सियासी हालात के हिसाब से देखें, और जहां पिछले कई साल से कुछ हालात बदले हैं और आज का दिन जो कि ज्यादातर जाना जाता था, अगर आप 10 साल पहले की बात करें तो सिक्योरिटी के लिए कर्फ्यू सी सिचुएशन होती थी और उसके साथ साथ मोबाइल नेटवर्क बंद होते थे, लेकिन आज जो है हालात बदले हैं। घंटाघर भी जो है तिरंगे की जो एक रंग में रंग गया है और हर साल की तरह हमारे पास एक मेहमान है जो कि सीधा अहमदाबाद से आए हैं और आप इनको क्रिकेट मैचेस में ज्यादा देखते होंगे। आपका नाम? मेरा नाम अरुण हरियाणी, मैं अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ और पहले तो पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मुझे याद है पिछले साल भी हम आपसे मिले थे, यहाँ आने का क्या मकसद रहता है? अहमदाबाद से इतने दूर से आप यहाँ लाल चौक में जो है आज का दिन मनाते हैं? हाँ, मुझे पहले यहाँ के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं जब अहमदाबाद में था तो मैं हर क्रिकेट मैच में जाता था, तो मैं एक बार मैंने सोचा नहीं मैं लाल चौक जाऊँ, जम्मू कश्मीर जाऊँ और वहाँ पर तिरंगा ले रहा हूँ। जैसे मैं 2022, 2023, 2024 में आया, 2022 से भी मेरी बहुत सारी बातें जुड़ी हुई, यहाँ से लोगों से भी मिला, बहुत सारा प्यार भी मिला और मैं अपने देश से बहुत सारा प्यार कर। यहाँ आके आपको पहले क्या सुनते थे कश्मीर के बारे में, अभी क्या बदला लगा है? हाँ, जब 2022 में आया था तो मैंने लोगों से पूछा था तो बोला 370 से पहले यहाँ पर कोई नहीं आता था और यहाँ से अभी लोग आना चालू हो गए। वही फिर मैं 2023 में भी आया, कल मुझे वो लोग मिले तो बोला बहुत जने अभी आना चालू हो गए और बहुत जने टूरिस्ट से भी मैं मिला तो बहुत अच्छा रहे उन्होंने। तो आज क्या क्या और करने का प्लान है आप? मैं हर बार जैसे मैं पिछली बार मैं आपकी बात बताऊं, मैं सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे से यहाँ पर खड़ा था, यहीं पे आज भी मेरा वही प्लान है मेरा आज। तो जैसे आपने सुना अहमदाबाद से आते हैं और ज्यादातर आपने इनको क्रिकेट मैचेस में देखा होगा और बिल्कुल इसी जोश से जो है उस वक्त भी ये भारत का जो है समर्थन करते हैं। और ये भी आप देख लीजिए कि जो भी संकेत जो 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 भी प्रतीक होते हैं नेशनलिज्म के वो आपको इन पे मिलेंगे, जैसे इंडियन आर्मी, और ये जज्बा जो है ये इनको हर साल कश्मीर लाता है। और आपको मैं यहां से भी दिखा दूं कि सब तरफ जो है तिरंगे का जो एक रंग है छाया हुआ है यहाँ। और इस साल जो घर घर तिरंगा एक मुहिम थी केंद्र सरकार की, वो भी हमने देखा कि तिरंगा रैली सब तरफ पूरे कश्मीर में निकली और एक रिकॉर्ड 2.5 किलोमीटर की तिरंगा रैली जो है बारामूला में निकली। तो एक कोशिश है सरकार की कि जो नेशनलिज्म का जो एक फर्वर है, जो एक फीलिंग है, घर घर तक पहुंचे और आज जो है एक जिसको आप उत्सव कहेंगे नेशनलिज्म का, उस तरीके से इसको देखा जा रहा है। तो कश्मीर पिछले 5-6 साल से जरूर बदला है। जैसे मैंने कहा कि एक समय था जब सब बंद रहता था और उसके साथ साथ कर्फ्यू जैसी सिचुएशन होती थी, आम लोगों को चलने नहीं दिया जाता था, ज्यादातर कोशिश थी कि आज का दिन जो है ठीक तरह बिना किसी हादसे के निकल जाए, लेकिन आज हालात बदले हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लोग जो है इस फंक्शन जो इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन है बख्शी स्टेडियम में आ सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं और यहां भी आज पूरे दिन जो उत्सव सा माहौल रहेगा, ज्यादातर टूरिस्ट के लिए जो कि यहां आके तस्वीरें खींचते हैं और 15 अगस्त को जो है यहां पे मनाते हैं। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, लाल चौक, श्रीनगर। आज तक।